नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस टॉपिक पर टाइटल है नमक से वशीकरण करने के टॉपिक। नमक के साथ वशीकरण करना जानिए आज इस वीडियो में। दोस्तों, चुटकी भर नमक से कैसे किसी भी इंसान को वशीभूत किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसके माध्यम से आप किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं, अपनी हर बातें मनवा सकते हैं। दोस्तों, नमक से वशीकरण क्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर किसी भी इंसान को वशीभूत करना है तो सबसे आसान वशीकरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप किसी भी व्यक्ति को अगर नमक डाल कर खिला देंगे तो वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, ये वशीकरण तरीका टोटका घर बैठे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। दोस्तों, नमक एक ऐसी वस्तु है जो हर कोई खाना पसंद करता है, इसके बिना खाने का स्वाद ही नहीं आता। तो ऐसे में कैसे किसी व्यक्ति को वशीभूत करें इसके द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसके माध्यम से आप घर बैठे वशीकरण कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों वशीकरण तरीके टोटके बहुत हैं और बहुत से लोग वशीकरण करना भी चाहते हैं, लेकिन जो ये टोटका हम आपको बता रहे हैं इसका टोटका कुछ अलग है, जिसके माध्यम से 100% वशीकरण किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे और किसी भी इंसान को अवश्य में जरूर कर लेंगे। वशीकरण टोटका काम इस प्रकार से करता है कि जब भी किसी इंसान को वश में करना हो तो दोस्तों शनिवार के दिन ये टोटका करना है। चुटकी भर नमक से करें शनिवार के दिन वशीकरण। शनिवार के दिन आपने चुटकी भर नमक लेना है और अपनी मुट्ठी पे रख लेना है। मुट्ठी पे रखने के पश्चात जिस भी इंसान को वश में करना चाहते हैं उसका नाम 11 बार लेते हुए मंत्रा को पढ़ना स्टार्ट करना है। आपने मंत्रा आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर जाने, क्योंकि दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है मंत्र का जाप करते समय, कहीं आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो दोस्तों दिए नंबर पर फ्री कंसल्टेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, आप मंत्रा जान सकते हैं। और उसके तुरंत पश्चात आपने क्या करना होता है कि मंत्र का जाप करना शुरू कर देना होता है। 151 बार मंत्र का जाप करेंगे और 151 बार मंत्र का जाप करने के पश्चात आपने क्या करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुटकी भर नमक को जिस भी इंसान को आप खिलाएंगे, किसी खाने की वस्तु में डालकर या फिर किसी अन्य सामग्री में डालकर इसे खिलाएंगे तो वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा और आपकी हर बातें को मानने शुरू भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टोटके को आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी इंसान को वशीभूत कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको फेस करनी पड़ रही है, बहुत सी प्रॉब्लम है लेकिन हल अब तक नहीं मिला है, तो टोटका जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होगी। दोस्तों, अगर आप कोई अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार का आप हमसे वीडियो चाहते हैं। हम उस पर जरूर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और आपका समाधान भी जरूर करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप इस प्रकार की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान हम इसमें लेकर आते भी रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, तुरंत रिप्लाई आएगा और कुछ ही घंटे में समाधान हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए।